दोस्तों, अगर आप लोग कहीं से भी लाइटरूम प्रीसेट को डाउनलोड करके अपने फ़ोटो पर कॉपी पेस्ट करते होंगे तो वो आपके फ़ोटो पर 110% काम नहीं करता होगा, क्योंकि आप लोग अपने फ़ोटो पर एक सेटिंग करते नहीं हो जिसकी वजह से आपके फ़ोटो पर वो प्रीसेट काम नहीं करता है। और गाइस, अभी तक आपको यूट्यूब पर भी किसी ने भी नहीं बताया होगा कि पहले अपने फ़ोटो पर क्या सेटिंग करना होता है और जब हमारे फ़ोटो पर वो प्रीसेट अच्छी तरीके से काम करता है। तो गाइस, अगर आप लोग जानना चाहते हो कि वो कौन सा ऐसा सेटिंग है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देख के जाना है। और गाइस, अगर आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कर लेते हो तो आपका ये डाउट कॉपी पेस्ट प्रॉब्लम का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बिना देर किए लेके चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। सो गाइस, यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने अपने लाइटरूम एप्लीकेशन को भी ओपन कर लिया है। तो गाइस, यहाँ पर आपको दो फोटो दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, एक तो ये वाला है और एक है ये। तो गाइस, ये जो फोटो है इस पर मैंने एक सेटिंग्स को अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कैसा दिख रहा है। और गाइस, ये वाला जो फोटो है इस पर मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, जो ये जैसा फोटो शूट किया है बिल्कुल वैसा ही है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी फ़ोटो पर प्रीसेट को चेक करके देखेंगे कि इस पर ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो गाइस, यहां पर मैंने तीन लाइटरूम प्रीसेट को डाउनलोड करके रखा है, तो यहां पर मैं आपको एक एक करके इन्हें यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं ये जो प्रीसेट है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग देख सकते हैं अच्छा खासा प्रीसेट है। तो हम क्या करेंगे, हम थ्री डॉट पर क्लिक करके एंड कॉपी सेटिंग पर क्लिक करके इसको हम कॉपी कर लेंगे और हम उसी फ़ोटो पर इसे पेस्ट करेंगे और फिर देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता है। तो गाइस, यहाँ पर जो है ये फ़ोटो थोड़ा ओपन हो रहा है, ये फुल HD में है तो थोड़ा यहाँ पर टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। तो गाइस, अब हम क्या करेंगे, इस थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ से पेस्ट सेटिंग कर देते हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो है 110% ये काम नहीं करेगा। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना बेकार रिजल्ट आया है। तो गाइस, अब हम उसी वाले फ़ोटो पर पेस्ट करेंगे जिस पर हमने एक सेटिंग को अप्लाई करके रखा है। तो गाइस, हम जो है थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से पेस्ट सेटिंग कर देते हैं। तो गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से हमारा फेस भी बन गया है एंड जो हमारा बैकग्राउंड है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। तो गाइस, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो ऐसा कौन सा सेटिंग है जिसे आप अपने फ़ोटो पर करोगे तो आपके भी फ़ोटो पर अच्छी तरीके से प्रीसेट काम करने लगेगी। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर इस फ़ोटो को नॉर्मल कर लेता हूँ जैसा हमारा पहला था ये फ़ोटो, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहला आपको करना क्या है, इधर साइड में आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कलर वाला, ठीक है। तो इस कलर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और गाइस, जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टेम्प को डिक्रीज करके +8 कर देना है और टेक्सचर को डिक्रीज करके कुछ सेटिंग्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको टेम्प को डिक्रीज करके +10 कर देना है और टेंट को डिक्रीज करके +10 कर देना है एंड वाइब्रेशन को डिक्रीज करके -12 कर देना है और सैचुरेशन को डिक्रीज करके -12 कर देना है। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए और मैं आशा करता हूँ आप लोग तो इतना समझ ही गए होंगे। तो गाइस, इतना करने के बाद फिर आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, एक ऑप्शन मिलेगा मिक्स का ग्रेडिंग के बराबर में, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ कलर आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर आपका रेड कलर ऑलरेडी सिलेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है और इसके सैचुरेशन को डिक्रीज करके +100 कर देना है और फिर आपको दोबारा ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है और इसके भी सैचुरेशन को डिक्रीज करके +100 कर देना है और फिर आपको ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है और इसके भी सैचुरेशन को डिक्रीज करके +100 कर देना है। फिर आपको येलो टोन को सिलेक्ट करना है और इसके भी सैचुरेशन को डिक्रीज करके +100 कर देना है और फिर आपको ऑरेंज 100 कर देना है और फिर आपको ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है जो हमारे फेस को गोरा करता है। तो यहाँ पर आपको सैचुरेशन को डिक्रीज करके -12 कर देना है और लिवनेस को डिक्रीज करके +25 कर देना है
और गाइस यहाँ पर अगर आप अपने फेस को और भी गोरा करना चाहते हैं तो आप लोग इन दोनों लाइनों से ही गोरा कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं और गोरा नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रीसेट को पेस्ट करना है, ठीक है। तो गाइस इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ पर रेड कलर को सिलेक्ट करना है और इसके सैचुरेशन को डिक्रीज करके +36 कर देना है और फिर आपको यहाँ से राइट कर लेना है। इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ से कट करना है और जो आपने प्रीसेट को डाउनलोड करके रखा है तो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और कॉपी सेटिंग पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है और फिर आपको उसी फोटो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और पेस्ट सेटिंग कर देना है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से हमारा फेस भी एंड जो हमारा बैकग्राउंड है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुका है।